हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आई हूँ एक्सरसाइजेस का, जो बहुत इजी है। हमेशा मैं आपको अपनी वीडियो में बहुत ही स्पेशल और बहुत इजी एक्सरसाइज बताती हूँ, जिससे आप करके अपने डेली यूज़ में ना ही आप बोर हो पाएँ, ना ही उनको आप स्किप करें, इतनी हार्ड नहीं होती है और ना ही आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको बस मुझे 5 से 10 मिनट देने होते हैं, जिसमें आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर ये वाली एक्सरसाइजेस को आप रिपीटेशन कर आप अपनी बॉडी को शेप में ला सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, फिट रह सकते हैं। आजकल के टाइम में सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उनका बेली पे बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है। उसको रिड्यूस, वो सबसे जल्दी यहाँ पे हमारे फैट आता है और बहुत लेट में जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको 1 घंटा जिम में, जैसे आप टाइम स्पेंड करते हैं अपने बिजी शेड्यूल में से टाइमिंग निकालते हैं, आप मॉर्निंग में जाते हैं, कभी इवनिंग में जाते हैं, आपको जिम के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको बस मुझे 5 से 10 मिनट देने हैं और आप इजिली अपना वेट लूज कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी है। लेकिन उससे पहले, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्क्रीन पर रेड बटन है उसको प्रेस करिए, मेरी वीडियो को बहुत सारा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ वहाँ बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेशन डे बाय डे मिलती रहे, आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने कंफर्टेबल क्लोथ पहनने चाहिए, जिसमें हम कंफर्टेबल हों एक्सरसाइज करने में। ऐसे नहीं हो कि हम हैवी पहन लें ठंड की वजह से, या गर्मी में कुछ ऐसे पहन लें जो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाए, हमें प्रॉब्लम हो। और दूसरी चीज, हमें हमेशा शूज पहन के रखने चाहिए, ताकि हमारे पैरों में उसका, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पेन ना हो हमारे, तो वो जरूरी चीज है। साथ ही साथ हमें कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप उसमें चेक कर सकते हैं जाकर कि मैंने आपको वार्म अप की क्या एक्सरसाइजेस बताई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। एक्सरसाइज करने के लिए आप मैट ले सकते हैं घर में, आप योगा मैट जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या दरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप जमीन पर कर रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज आपको जो लेटने वाली है, आपको जो नरम गद्दा होता है उस पर कभी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें बेड पे एक्सरसाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप कभी मत करिएगा। जो सॉफ्ट गद्दा होता है उस पर कभी मत करिए, आप कोशिश करिए कि आप दरी का इस्तेमाल करें या कोई आप वैसे योगा मैट ले लें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि वो खिसके भी नहीं अपनी जगह से और आप इजीली एक्सरसाइज कर सकें। हमेशा आपको ज़मीन का यूज़ करना चाहिए, ज़मीन पर डायरेक्टली भी नहीं करें, आपके बैक पेन हो जाएगा। दरी या हार्ड गद्दा आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ज़मीन पर बिछा सकते हैं, उसके ऊपर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। वैसे योगा मैट बहुत ही परफेक्टली है अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आप जैसा देख रहे हैं मेरा योगा मैट है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है और कैसा पॉस्चर आपको क्रिएट करना है। तो आप एज इट इज़ मुझे फॉलो करिएगा, आपको पोजीशन बताती हूँ आपको कैसे पहले फर्स्ट पोजीशन लेनी है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, आपको ऐसे स्ट्रेट खड़ा रहना है, अपना बैक और अपना नेक बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। शोल्डर्स का जितना ब्रॉडनेस है उतने आपके फीट का ब्रॉडनेस होना चाहिए, इतना ब्रॉड कर लीजिए। बहुत ओपन नहीं करना, बहुत क्लोज नहीं करना, जितना आपके शोल्डर्स है उतना एज इट इज आपको ब्रॉड रखना है। फिर आपको अपने दोनों हैंड्स ऐसे रखने हैं इस पोजीशन में, शोल्डर एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, आपके नेक भी बिल्कुल स्ट्रेट, नेक मूव नहीं करना है। दोनों हैंड्स को आप पहले आप राइट में लेके जाएंगे, अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे, वन साइड आप टर्न करेंगे, आपके यहाँ का फैट आपको फील होगा कि आपका लूज हो रहा है, आप ऐसे हाफ ट्विस्ट करिए इस तरीके से, फिर वापस आ जाइए, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करिए, 5 से 10 सेकंड्स के लिए पोजीशन में होल्ड करिए, फिर वापस आइए। अगेन आप लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए, पोजीशन होल्ड करिए 5 से 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करिए, और इसके रिपीटेशन 20 रैप से स्टार्ट करिए। उसके बाद उसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप हैबिटुअल होते जाएं, आपको हैबिट हो जाए उसकी, आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाते रहें। मोस्टली एक्सरसाइज हमें मॉर्निंग में करनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत एनर्जी होती है, हम बहुत एनर्जी से उठते हैं, रिलैक्स होती है हमारी बॉडी, तो हम बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करते टाइम आप अपना मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं मेरी तरह, ताकि आप में एनर्जी रहे, आपका माइंड डाइवर्टेड रहे और आप इजिली अपने आपको लगे सॉन्ग सुनते सुनते कि हमें भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की तरह हमें अपनी बॉडी शेप में लेकर आनी है। तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताती हूँ, आपको सेम रिपीटेशन करना है इसके लिए, 3 से 4 बार आप 20 रैप से स्टार्ट करिए, 3 से 4 बार रिपीटेशन करिए और डेली इसको फॉलो करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको अपना लेग ऊपर लेके जाना है, आपको अपना राइट लेग से स्टार्ट करते हैं हम, ऐसे इस पोजीशन में होल्ड करके रखना है आपको, बहुत आगे नहीं लेके जाना, बहुत साइड पर लेके नहीं जाना, एकदम ऐसे एज इट इज रखना है, आपको पोजीशन होल्ड करनी है। होल्ड करने के बाद आपको अदर हैंड ऊपर लेके जाना है, अगर आपका राइट लेग ऊपर है, आपका राइट लेग जैसे ऊपर है तो आपको लेफ्ट हैंड ऊपर लेके जाना है सर। अगर आप स्टार्टिंग में होल्ड नहीं कर पा रहे अपने लेग को, आप ट्विस्ट कर रहे हैं, हमारा मूवमेंट हो रही है, तो आप ऐसे होल्ड भी कर सकते हैं। आपको कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड रखना है, 5 से 10 सेकंड्स के लिए, उसके बाद आपको नीचे लेकर आना है।
अब हम इसे सेम एज इट इज एक्सरसाइज लेफ्ट से करते हैं। लेफ्ट को हमें ऊपर लेके जाना है, होल्ड करके रखना है पोजीशन। हैंड सपोर्ट भी आप दे सकते हैं, स्टार्टिंग में आप हैंड सपोर्ट दीजिए, बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे ही कर लेंगे। उसके बाद अपना आर्म ऊपर लेके जाना है, राइट हैंड। लेफ्ट लेग है तो राइट बाजू आपको ऊपर लेके जानी है, अगर राइट आपकी लेग ऊपर है तो लेफ्ट बाजू आपको ऊपर लेके जानी है। इस पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड रखना है, एटलीस्ट 10 सेकंड्स के लिए तो रखना ही रखना है। आप काउंटिंग स्टार्ट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, करेक्ट, डन। आपको ये सेम पोजीशन रखना है, शोल्डर्स अपने आपको स्ट्रेट रखने हैं, नेक बैक आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आप प्लीज सेम पोजीशन से ही करेगा, जैसे आपको बता रही हूँ एज इट इज आप फॉलो करेगा, क्योंकि अगर स्लाइटली सा भी डिफरेंस होगा तो आपके वहाँ इफेक्ट आने की जगह आपका कहीं ना कहीं पेन होने स्टार्ट हो जाएगा। आप जो एक्सरसाइज करेंगे इसके आपके बटॉक्स अच्छे हो जाएंगे, लेग शेप में हो जाएगी, यहाँ का साइड का फैट जो बहुत गंदा लगता है, बेली फैट जो होता है हमारा, वो कम हो जाएगा, साइड फैट रिड्यूस हो जाएगा, आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी, आप सुंदर दिखने लगेंगे। अब आपको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताती हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको ऐसे खड़ा होना है, अपने शोल्डर्स की, अपनी लेग्स की ब्रॉडनेस रखनी है और अपने आर्म्स को स्ट्रेच देना है ऐसे। पहले लेफ्ट साइड, राइट साइड, हमें पूरे शोल्डर्स अपने पीछे की तरफ बेंड करने हैं और दोनों हैंड्स ऐसे प्रॉपर ओपन करने हैं, इस तरह से होल्ड करना है पोजीशन को। फिर हमें सेंटर में आ जाना है, फिर हमें लेफ्ट साइड मूव करना है। आप देखेंगे कि आपको अपने नेक में स्ट्रेचिंग देना, आपको सर्वाइकल पेन प्रॉब्लम हो जाएगा। जिनको पेन है वैसे वो अपने यहाँ पे आप वार्म अप कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ इसको स्ट्रेच देना है। फिर अगेन राइट साइड, आपको फील होगा आपके शोल्डर्स, आपकी कमर, आपके सारी जगह थाइस, सब जगह इसका इफेक्ट आ रहा है। आपकी मसल्स जो है वो पुल होंगे, आपको फील होगा कि आपका जो है कैलोरीज बर्न हो रही है, आपका जो फैट है वो बर्न हो रहा है। आपको ये सेम रिपीटेशन करनी है पोजीशन की, लेग्स में मूवमेंट नहीं करना, आपको अपनी बॉडी मूवमेंट करना है और अपनी आर्म्स को ऐसे स्ट्रेच, पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। आप इसकी रिपीटेशन करिए, 20 रैप से स्टार्ट करिए, उसके बाद इसकी रिपीटेशन बढ़ाते जाइए। आप जैसे टाइमिंग बढ़ाएंगे, इसको रिपीट करेंगे डेली, तो आपके अंदर बहुत इफेक्ट आने लगेगा, आपकी बॉडी शेप में आने लगेगी, टोन्ड हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे करनी है। ये आप अपनी लेग्स, जितना आपके शोल्डर्स है उतना ही अपने लेग्स थोड़ा सा उससे आपको वाइड करना है। जैसे अब तक आपको मैंने बताया था जितने आपके शोल्डर्स हैं आपको उतना ही ओपन करना है अपने फीट्स को, लेकिन इसमें आपको स्लाइटली सा ऐसे आपको प्रॉपर ओपन करना है, थोड़ा ज़्यादा ओपन करना है। आप देख रहे हैं सेम पोजीशन, स्लाइटली सा ज़्यादा ओपन करना है आपको। उसके बाद अपने हैंड को, राइट हैंड को आपको लेफ्ट अपने टोस टच करना है, अपना पैर फीट जो है वहाँ टच करना है, और लेफ्ट से आपको राइट अपना फीट टच करना है इस तरीके से। ऐसे पहले अपने हैंड्स ऊपर लेके जाइए, फिर यहाँ टच करिए, ट्राई करिए कि आपकी नीज आपके बेंड ना हो। अगेन ऊपर आ जाइए, फिर आप राइट साइड बेंड हुई है, अगेन आप इस साइड जाइए, दोबारा स्ट्रेट हो जाइए, अब राइट साइड जाइए। आप अपने दूसरे हैंड को अपने यहाँ पे कमर पे भी रख सकते हैं, वेस्ट पे भी रख सकते हैं, या पीछे स्ट्रेच भी कर सकते हैं। आप सेम इसकी रिपीटेशन करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप देख रहे हैं मेरी नी स्ट्रेट है, ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं। स्लाइड स्टार्टिंग में आपके बेंड होंगे, थोड़े से बेंड होंगे, लेकिन आप उसको हैबिट मत बनाइए। आप खुद फील करिए कि आपको अगर फिट दिखना है तो आपको अपनी नीज स्ट्रेट रखने होंगे, तभी आपकी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। आपके बेली पे आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे कंटिन्यू, स्टार्टिंग आपको सब इजी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप करेंगे तो आपको खुद फील होने लगेगा उसका इफेक्ट, आपका पेन आपको कहाँ कहाँ हो रहा है, और वही पेन से आप अपना बहुत वेट लूज कर पाएंगे और गेन कर पाएंगे। नो पेन नो गेन, अगर आप पेन महसूस करेंगे तो आपका आप गेन करेंगे, ये चीज़ वेट गेन नहीं करेंगे, आप अपना फैट कम करेंगे, आप प्लस पॉइंट्स गेन करेंगे। आप इसकी रिपीटेशन करिए, 20 रैप्स से स्टार्ट करिए और इसको रिपीट करते जाइए। आप अपने रैप्स बढ़ाइए, अपने टाइमिंग्स बढ़ाइए, हर एक्सरसाइज के बाद जो भी आपको मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ 30 सेकेंड का गैप देना है, देन फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। एकदम से स्टार्ट मत करिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप कंटिन्यूस करेंगे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, वन डे सेकेंड डे से आप थकने लग जाएंगे और उसको अवॉइड करेंगे। तो प्लीज़ हर एक्सरसाइज के बाद 30 सेकेंड्स का गैप ज़रूर दीजिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। फ्रेंड्स, अभी आपको मैंने 4 एक्सरसाइज बताई हैं जो स्टैंडिंग पोजीशन में करनी है। आप इसको खड़े होकर कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप अगर फील करें, अगर आपने कर ली है, सपोज़ अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं। डेली वैसे आपको ये फॉलो करनी है सारी एक्सरसाइजेस, और अगर आप थक जाते हैं एक्सरसाइज कर, अगर आप स्टैंडिंग वही एक्सरसाइज करके थक जाते हैं, तो आप ब्रेक्स में भी कर सकते हैं। जैसे आप वन डे मेरी स्टैंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और सेकेंड डे लाइन डाउन,
जो मैं लेट कर एक्सरसाइज होंगी वो अभी आपको मैं बताऊंगी कि मैट पे योगा मैट पे लेट के कैसे एक्सरसाइज करनी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दोनों एक्सरसाइज है वन डे वो ऐसे रिपीटेशन है वन वीक में प्रॉपर करेंगे तो डेफिनेटली 101% आपकी जो है ना बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे, आपका वेट कम हो जाएगा, आपका एक्स्ट्रा फैट धीरे धीरे बर्न होने लगेगा। इमीजिएटली इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप टू डेज करें और उसके बाद आप सोचें कि इमीजिएटली इफेक्ट आ गया, ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ कि आपको लेटकर कैसे एक्सरसाइज करनी है। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि लेटकर कैसे एक्सरसाइज करनी है, तो आप मुझे एज इट इज फॉलो करिएगा। बहुत ईजी एक्सरसाइजेज है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है, आप नहीं कर पाएंगे, आप इजिली मुझे फॉलो कर पाएंगे। आपको इस पोजिशन में लेटना है, अपने जो लेग्स हैं अपने हिप्स बैक की साइड बाहर करके रखने हैं, लेग्स को ऐसे क्रॉस, अपने फीट्स को क्रॉस कर लेना है, ऐसे पोजीशन में लेटना है आपको और अपनी बॉडी को आगे की तरह स्ट्रेच करना है, अपनी आर्म्स को जितना आप स्ट्रेच कर सकें इस तरीके से स्ट्रेच देना है। आपको फील होगा आपकी यहाँ से स्ट्रेचिंग हो रही है, बॉडी में आपकी यहाँ से पूरी स्ट्रेचिंग फील होगी आपको। इस तरीके से आपको हैंड्स को बिल्कुल आगे की तरफ लेके जाना है और यही पोजीशन रखनी है सेम, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड रखना है इस पोजीशन को। उसके बाद आप रिलैक्स हो सकते हैं, अपनी आर्म्स को वापस लेकर आ सकते हैं और आप इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। आपको इसकी रिपीटेशन करनी है 2-3 बारी। सेम आपको दोबारा बताती हूँ, आपको अपने नीज बेंड करने हैं, लेग क्रॉस कर जैसे आप आसन में बैठते हैं, फिर आपको अपने पैर फोल्ड करने हैं, अपने हिप्स को बाहर की साइड रखना है और अपने हैंड्स ऐसे अपने रिलैक्स होकर अपने हैंड्स को बिल्कुल आगे, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेच करना है, इसको स्ट्रेचिंग बोलते हैं, जिससे आपका स्ट्रेच होगा मसल्स, आपका एब्डोमेन का यहाँ का फैट कम हो जाएगा, बेली फैट कम होगा, लोअर एब्डोमेन का फैट कम होगा और आपका धीरे धीरे आप देखेंगे वेट लूज होने लगेगा। ऐसे स्ट्रेचिंग करनी है आपको प्रॉपर, अपने हैंड्स को बहुत आगे तक लेके जाना है, कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन आपको नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। आप देखेंगे आपके बेली पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, दिखने में बहुत इजी लग रहा है जैसे आपको करके दिखा रही हूँ कि मैंने लेटा क्रॉस लेग करी और हैंड स्ट्रेच दिया, बट जब आप करेंगे ना रिपीटेशन करेंगे तब आपको फील होगा कि इतना इजी नहीं है। ये इजी है बट ऐसा इजी नहीं कि आप इमीडिएटली आपको कुछ फ़र्क बताना चले, इजी एक्सरसाइजेज होती है लेकिन इफेक्ट बहुत ज़्यादा है इसका, आपको इफेक्टिव खुद फील होगा कि कितनी इफेक्टिव है। आपका बेली पे यहाँ पर आपके बेली बटन पर आपको बहुत आपको इफेक्ट पड़ेगा, पेन होगा यहाँ पर, तो समझ जाइए आपको पेन हो रहा है इतना, इसके मतलब आपका वेट लूज हो रहा है। तो इसकी रिपीटेशन करिए, एक्सरसाइजेस आप कभी भी कर सकते हैं, प्रेफर करिए मॉर्निंग में करिए। अब आपको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताती हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको किस तरीके से करनी है। आपको लेट जाना है स्ट्रेट पोजीशन में, ऐसे प्रॉपर लेट जाना है। लेटने के बाद आपको अपनी आर्म्स यहाँ साइड पे रखनी है, लेग्स को ऊपर लेकर आना है आपको और क्रॉस कर लेना है, अपने जो एक पैर है दूसरे पैर के ऊपर से लॉक कर लेना है, क्रॉस कर लेना है। उसके बाद अपने नीज को अपनी चेस्ट के पास लेके जाना है, ऐसे बिल्कुल ऊपर तक, अपने नीज को अपनी टांगों को थाइस को बिल्कुल प्रेस करना है अपनी चेस्ट तक, बिल्कुल आपको सटा के रखना है। अगेन आपको थोड़ा जैसे आप झूला झूलते हैं बच्चे वैसा करना है, थोड़ा सा आगे आना है फिर आपको पीछे जाना है। हिप्स आपके टच नहीं होने चाहिए मैट से, आपके टच नहीं होने चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, आपको आगे जब जाएंगे तो भी टच नहीं होने चाहिए, ऐसे अगेन ऐसे आपको पीछे जाना है, आगे और पीछे। आपको देखने में लग रहा है इजी बट आप जब करेंगे तो आपको लगेगा कि इससे इफेक्ट आ रहा है आपके बेली पर, पेन हो रहा है आपको। अगेन आप पीछे जाएंगे फिर चेस्ट तक आप लेकर जाएंगे, प्रॉपर आपको अपनी लेग्स खींच के लेके जाना है। स्टार्टिंग में अगर आपका स्टेमिना बिल्ड नहीं है, आप नहीं कर पा रहे, आपकी लेग्स प्रॉपर आपकी चेस्ट तक नहीं आ पा रही, तो घबराइए मत, धीरे धीरे आने लगेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। आप इस तरीके से करिए, हल्का बेंड होइए, स्लाइटली ऊपर होना है, फिर ऐसे फिर स्लाइटली ऊपर और आप फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाइए। इस पोजीशन में आप बैठिए, इसकी रिपीटेशन करिए, 20 रैप्स करिए, काउंट करिए कि आपकी कितनी पोजीशंस हुई हैं, कितने आपके काउंट्स हुए हैं। आप प्लीज़ लेकिन 20 रैप्स तो करिए ही करिए, मिनिमम 20 रैप्स करिए, उनको फिर आगे आगे इंक्रीज करते जाइए। जैसे आपका फर्स्ट डे है तो आप 20 रैप्स करिए, फिर 40 रैप्स में ट्राई करिए, थोड़ा सा थकेंगे थोड़ा सा, तभी तो आपका फैट कम होगा ना, तो कुछ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो एक्सरसाइजेस फॉलो करिए। अब आपको मैं बताती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज वो आपको कैसे करनी है, वो भी बहुत इजी ही है। आपको स्ट्रेट लेट जाना है, अपने हैंड्स को ये
की भी स्ट्रेचिंग है, अपने हैंड्स को ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर रख लेना है सेम पोजीशन में। बॉडी शोल्डर्स, आपको जितने शोल्डर्स हैं उतने ही पैरों की आपको ब्रॉडनेस रखनी है। बहुत खुला नहीं करना, बहुत कम नहीं, क्लोज नहीं करना। शोल्डर्स जितनी आपकी ब्रॉडनेस है उतने ही आपके फीट ब्रॉड होने चाहिए। एक्सरसाइज करने के टाइम आप शूज़ ज़रूर पहनेगा, मैंने इसलिए नहीं पहने ताकि आपको पैरों की पोजीशन एग्जैक्ट बता सकूँ। अपने हैंड्स ऊपर लेके जाइए और स्ट्रेच करिए, और अपने जो फीट हैं उनके जो टोज हैं उनको बिल्कुल पॉइंटेड रखिए, इस तरीके से बेंड आगे की तरफ। जैसे मेरा फीट की पोजीशन आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करके रखिए फीट को, और हैंड्स को बहुत पीछे करके रखिए। स्लाइटली सा ऊपर करिए फिर नीचे करिए, ठीक है। अपनी लेग्स को, मेरे हैंड्स एज इट इज़ हैं, आप प्लीज़ मेरा प्रॉपर पोजीशन देखिएगा, मैं कैसे आपको करके बता रही हूँ। सेम एज इट इज़ आपको मुझे फॉलो करना है। हैंड्स आपको ऊपर रखने हैं, टोज आपको ऐसे पॉइंटेड करके आगे की तरफ रखने हैं, और उसके बाद अपनी लेग्स को स्लाइटली सा ऊपर करना है, दोनों लेग्स को, और फिर नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, स्लाइटली मूव करना है। जितना डिस्टेंस आप देख रहे हैं एग्जैक्ट आप उतना रख सकते हैं। देखिए ऊपर नीचे, अगेन ऊपर नीचे, ऐसे आप काउंटिंग करिए 10 times, और जब 10 times आपकी कंप्लीट हो जाए तो आप थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखिए और होल्ड करने का ट्राई करिए। आप ऊपर लेके जाएंगे जैसे अपनी लेग्स को, होल्ड करके रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 done। दोबारा नीचे ले जाइए, अगेन फिर रिपीटेशन करिए होल्ड करने की पोजीशन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ये करने के बाद आप खुद फील करेंगे कि आपके यहाँ पेन हो रहा है, आपके साइड फैट पे पेन हो रहा है, आपके एब्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो यहाँ का फैट है ना, पहले हमारा लोअर एब्डोमेन बढ़ता है, फिर बेली तक फैट आता है, फिर हमारे यहाँ तक चेस्ट तक फैट आने लगता है। तो धीरे धीरे जब आप एक्सरसाइज करेंगे, पोजिशन होल्ड करेंगे, तो आप खुद फील करेंगे कि आपके यहाँ का फैट रिड्यूस हो रहा है और आपकी बॉडी शेप पे आ रही है और वेस्ट अच्छी लग रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है। आपको लेट कर जो एक्सरसाइज करनी है, ये 3 बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं, इजी है और उनका रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव है। आप एज इट इज़ फॉलो करिएगा। अगर आपको कोई पोजीशन भूल जाए या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा मेरे से क्वेश्चन कि आप क्या समझ नहीं आया, क्या आपको क्लियर आउट नहीं है, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। तो आपका ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ क्वेरीज हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का ट्राई करूंगी। और ऐसे ही आपके साथ अपनी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, इजी एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं अपनी कोई भी क्वेरी, मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करूंगी। बेल आइकन इसको प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेशन डे बाय डे मिलती रहे, ताकि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
Thank you.